इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को इद्दत निकाह केस की अपील का फैसला एक माह में करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया गया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी आजादी मार्च के मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। दफा 144 के खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना I-9 में दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केसेस मुंतकली की दरखास्तें नाकाबले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, हुकूमत पर 2-2 लाख जुर्माना। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी के जज से इंसाफ की तवक्को नहीं। जिसमें चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क दिए कि आपकी पसंद नापसंद पर केसेस को चलाया नहीं जा सकता, हुकूमत में बैठे लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत को न लाहौर हाई कोर्ट और न ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। बताएं जेल में कौन सा खतरा है? ये कहां लिखा है कि जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा? वफाकी बजट का असर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स पे 76,000 की सतह उबूर कर गया। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रोन डाला। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 50,000 रुपए से ऊपर माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्सों का नया बोझ डाल दिया गया। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा, कम से कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है, क्योंकि $50,000 और उससे ज्यादा कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने की इस्तेदार रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज भी अदा कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग का इतलाक। नए बजट में टैक्सेस की भरमार, सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शराब और इस्तेसना खत्म। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप पर विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। शीशे की दरामदी मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी खत्म। गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के बिजली मीटर्स मुनकता करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर टोआना की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी। टैक्स वसूलियों में 3800 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए होगा। ताजरों और सनअतकारों ने कौमी बजट मुस्तरद कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि वफाकी बजट में पहली बार 3500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। नए टैक्सेस बिजनेस कम्युनिटी की कमर तोड़ कर रख देंगे। बजट को आवाम के लिए जहरे कातिल समझते हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट में बजट पर बहस का आगाज कर दिया। कहा पाकिस्तान के आवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अशराफिया के नुमाइंदे हैं। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया।
38 खरब के इजाफी टैक्स का बजट पेश करके कुर्बानी से पहले गरीब की कुर्बानी कर दी गई। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का तीसरा बजट है जिसमें रिलीफ के बजाय आवाम को तकलीफ दी गई। देखना होगा कि पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करती है। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हदफ 5,390 अरब रुपए होगा। NFC कीमत में पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। आमदन का तखमीना 1,027 अरब रुपए लगाया गया। तनख्वाहों कीमत में 597 अरब, पेंशन कीमत में 447 अरब और सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए है। बजट की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। का नए माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असेंबली में बजट पेश करेंगे। सिंध बजट का मजमू हजम 23.5 खरब से जायद का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 35,000 रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान।